उत्तर प्रदेश के विद्युत नियामक आयोग ने यह फैसला किया है कि इस साल प्रदेश में बिजली की दरों में इजाफा नहीं किया जाएगा। पावर कॉरपोरेशन की ओर से भेजे गए एक प्रस्ताव को रिजेक्ट करते हुए नियामक आयोग ने इस संबंध में फैसला किया है। इससे उन तमाम उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी जिन्हें बिजली का भारी भरकम बिल चुकाना पड़ता था। इस साल बिजली की पुरानी दरें ही लागू होंगी और अगले साल फिर से इन पर समीक्षा की जाएगी। भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने पॉक्सो एक्ट के कानून पर सवाल खड़े किए हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि इस कानून का उपयोग लोगों को फंसाने के लिए किया जाता है। इसी के कारण उपजे डर को देखकर प्राइवेट कंपनियां लड़कियों को नौकरी भी नहीं देती। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत ही दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में एक मुकदमा दर्ज किया गया है। बृजभूषण पर यह आरोप है कि उन्होंने एक नाबालिग पहलवान का यौन शोषण किया है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने वाले विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। मायावती ने कहा है कि मैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सरकारों को ऐसे मुद्दों पर समर्थन देती हूं जो दलगत राजनीति से ऊपर हूं। मायावती ने इसी के तहत संसद भवन की नई इमारत के उद्घाटन समारोह का समर्थन किया है। हालांकि मायावती ने यह ऐलान भी किया है कि वह अपनी पार्टी की पूर्व निर्धारित व्यस्तताओं के कारण संसद के उद्घाटन समारोह में नहीं जा पाएंगी। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास समारोह के 2 साल बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब इस समारोह को लेकर बीजेपी पर सवालिया निशान लगाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह बयान ऐसे वक्त में दिया है जब देश में संसद भवन की नई इमारत के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ना बुलाए जाने को लेकर विपक्षी दल बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि राम मंदिर के शिलान्यास समारोह में भी तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया गया था। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि देश का SC/ST समाज बीजेपी से पूछ रहा है कि क्या हम अशुभ हैं जो हमें किसी भी समारोह में नहीं बुलाया जाता। वाराणसी की जिला अदालत में ज्ञानवापी सर्वे के विरोध कर रहे मुस्लिम पक्ष के लोगों द्वारा औरंगजेब को क्रूर शासक ना कहे जाने पर हिंदू पक्ष के लोगों ने नाराजगी जताई है। 26 पेज की अपनी आपत्ति में मुस्लिम पक्ष ने यह कहा था कि औरंगजेब कोई क्रूर राजा नहीं था और उसने किसी भी हिंदू मंदिर को नहीं तोड़ा। अंजुमन मस्जिद इंतजामिया कमेटी की ओर से 26 पेज की आपत्ति में ये बातें कही गई हैं कि औरंगजेब हिंदू मंदिरों को तोड़ता था, इसके कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। हिंदू पक्ष के लोगों ने इस पर आपत्ति की है। हिंदू पक्ष की ओर से तमाम वकीलों और हिंदू धर्म से जुड़े लोगों ने यह कहा है कि अगर औरंगजेब ने भारत में मंदिरों को नहीं तोड़ा तो मुगल इस देश में क्या करने आए थे।